हे गाइस, दिस इज अभिनव और आप देख रहे हो अभिनव फिटनेस सीरीज। सो गाइस, आज हम कल मंडे को हमने करा था चेस्ट, ट्यूसडे को बैक, आज हम लगाने वाले हैं बाइसेप्स और एब्स। 10 मिनट्स हम वार्म अप के लिए शुरुआती में भी कार्डियो करेंगे, उसके बाद हम करेंगे आप कार्डियो में 10 मिनट्स, 5 मिनट रनिंग करना है, 5 मिनट साइकिलिंग करना है, और बाइसेप्स के लिए, बाइसेप्स वार्म अप करने के लिए फर्स्ट डंबल बाइसेप्स कर लगाने, लाइट वेट से तीन तीन सेट 10-10 रेपिटेशन। उसके बाद चलो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ये लिया डंबल, एक दो तीन चार पाँच छः, इसके 10-10 रेपिटेशन लगाने दोनों हाथ में। उसके बाद फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम। उम्मीद है आपने कार्डियो कर लिया होगा 10 मिनट्स पहले ही। फर्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे बारबेल बाइसेप्स कर्ल। तो इसके लिए हम लेंगे एक रॉड, ठीक है। इसको हम करेंगे, इसको 20 रेपिटेशन 4 सेट से, बारबेल बाइसेप्स कर्ल का। ये चेस्ट अप फुल फुल रेंज, ठीक है। दो तीन चार पाँच छः सात, तो भाई इसके करने हैं 20 रेपिटेशन 4 सेट्स। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है डंबल बाइसेप्स कर्ल, जो कि आप डंबल बाइसेप्स कर्ल करने का तरीका, चेस्ट अप, एक दो तीन चार पाँच छः, तो इसके करने हैं 20 रेपिटेशन एक एक हाथ में, 20 रेपिटेशन दूसरे हाथ में। इसके करने 40 रेपिटेशन एक सेट में, 40-40 के 4 सेट, मतलब 20 रेपिटेशन एक हाथ में, 20 रेपिटेशन एक हाथ में, तो 40 हो गए, और 40 रेपिटेशन 40 के 4 सेट्स लगाने, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे जो कि थर्ड एक्सरसाइज होगा, थर्ड एक्सरसाइज आपका होगा बाइसेप्स हैमर कर्ल। बाइसेप्स हैमर कर्ल में ये चलना चाहिए ब्रोकियलिस मसल्स, ना कि आप इस पे भी फोकस करना, पर सब ज़्यादा इस पे करना। तो इसमें भी हम उठाते हैं अपना सेम वेट, जो कि ये देखो, एक दो तीन चार, थोड़ा सा चेस्ट की तरफ लेके जाना डंबल को, साइड से देख लो आप, एक दो तीन चार। इसके भी आपके करने हैं वही 20 इस हाथ में, 20 इस हाथ में, इसके भी 40, 4 सेट। उसके बाद हम करेंगे ब्रिचर कर्ल। हाँ, फोर्थ एक्सरसाइज जो कि होगा आपका ब्रिचर कर्ल। ब्रिचर कर्ल में अपना वेट सेम ही रखना, ज़्यादा वेट मत लेना, अपना बाइसेप्स वही सेम 20 रेपिटेशन 4 सेट्स। इसके भी एक पूरा नीचे 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 नीचे, दो तीन चार पाँच, इसके भी वही, इसके भी 4 सेट्स 20 रेपिटेशन। हर सेट में वेट बढ़ा सकते हो, नहीं भी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 20 रेपिटेशन 4 सेट्स। बाइसेप्स का लास्ट एक्सरसाइज अपना है कंसंट्रेशन कर्ल। चलो, ये 90 डिग्री रखना है पैर का एंगल, ठीक है। बाइसेप्स रिलैक्स, ट्राइसेप्स रिलैक्स हुआ थाई पे, एक दो, पूरा कर्ल करना है बिल्कुल, तीन चार पाँच। तो इसके भी आपको 20 रेपिटेशन इस हाथ में, 20 रेपिटेशन इस हाथ में, टोटल करने 40 रेपिटेशन एक सेट। इसके करने आपके 4 सेट। उसके बाद हम करेंगे अपर एब्स। एब्स में हम करेंगे अपर एब्स। अपर एब्स में हम क्या क्या कर सकते हैं, पहला हम करेंगे तो अपर एब्स के पहला एक्सरसाइज है आपका, ना कौन है ये, अपर एब्स का पहला एक्सरसाइज है अपना फ्लोर फ्लोर क्रंचेस। फ्लोर क्रंचेस कैसे लगाना है ये देखो, एक दो तीन चार पांच छः, इसके आपको करने 20 रेपिटेशन 4 सेट्स। उसके बाद हम लगाएंगे
टॉय टच, टॉय टच में पहले पैर ऊपर करके, रेडी, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ये भी आपको करने 20 रेपिटेशन, 4 सेट्स। उसके बाद चलो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, वो होगा अपना प्लैंक। तो थर्ड एक्सरसाइज करने अपने एब्स के लिए, वो है प्लैंक। प्लैंक करने हैं 4 सेट, हर सेट में 10 10 10 10 सेकेंड्स बनाने हैं। ये अगर आप 40 सेकेंड 30 सेकेंड रहते हैं, 30 सेकेंड लगाते हैं, तो नेक्स्ट नेक्स्ट सेट में 40 सेकेंड हो जाएगा, फिर 50 सेकेंड, फिर 1 मिनट। मतलब ऐसे करने हैं हर सेट में 10 10 10 10 सेकेंड बढ़ाने हैं। ज़रा इसका फोर सेट, हर सेट में 10 10 सेकेंड बढ़ाने हैं। इसी तरह आपको फोर सेट करने हैं इसके। तो अपना फोर्थ और लास्ट एक्सरसाइज है एप्स का, अपर एप्स का। एक प्लेट ले लेना और बेंच पे, ये एक दो तीन चार पांच छः, इसके भी 20 रेपिटेशन, 4 सेट्स। आपका हो गया है एब्स का भी एक्सरसाइज कंप्लीट। अब हम करेंगे 20 मिनट्स कार्डियो, वही सेम 20 मिनट्स जो पिछली बार मैंने बताया था। पहले आपको स्पॉट जंप करने हैं, उसके बाद हाई नीज करने हैं, उसके बाद आपको करने हैं जंपिंग जैक, उसके बाद आपको करने हैं स्क्वाट जंप, उसके बाद आपको करने हैं पांचवा आपके करने हैं माउंटेन क्लाइंबर्स, उसके बाद 20 मिनट्स रनिंग। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मैं वीडियो क्लिप में डाल दूंगा, देख लेना आप, यहीं कहीं पे होगा। और ये फर्स्ट मंथ का एक्सरसाइज है, तो इसमें थोड़ा सा अभी उतना हार्ड नहीं होगा, धीरे 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 करके मैं हार्ड कर दूंगा। ज्वाइन करो हमारे अभिनव फिटनेस सीरीज को और कंटिन्यू करते रहो। बाकी गेनिंग एक्सरसाइज अगले अगले हफ्ते से डल जाएंगे, उसको भी आप, जिसको भी गेनिंग करना हो गेनिंग कर सकते हो। सो गाइस आज के लिए इतना ही, कल हम करेंगे अपना ट्राइसेप्स और उसके साथ लगाएंगे लोअर एब्स, ठीक है? तो सीरीज आप कंटिन्यू फॉलो करो, बाकी रिजल्ट आएगा, टेंशन ना लो, हर चीज़ टाइम से ही होता है, एकदम जल्दबाजी किसी चीज़ में नहीं करने हैं। पहले आप इस मंथ का एक्सरसाइज जो भी है सीरीज़ फॉलो करो, फिर नेक्स्ट सीरीज जब आएगा तो उसे फॉलो करना, फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा तो उसे फॉलो करना। धीरे धीरे हमें आपका 3 महीने का सीरीज़ आपको फुल बढ़िया बिल्कुल ही ईमानदारी से फॉलो करने हैं, करना। डाइट डाइट प्लान में आपका संडे के दिन मैं डालूंगा, संडे के दिन डाइट डाइट प्लान आपका जो भी है वो डाल दूंगा, सप्लीमेंट जो भी लगेगा वो मैं बता दूंगा। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है।